अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और परीक्षा डेट शीट 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस समय के दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। रिजल्ट को लेकर दोस्तों क्या अपडेट है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से एक बड़ी अपडेट जो आ रही थी कि यूपी सरकार द्वारा आदेश का पालन के लिए 4 माह का और समय मांगा गया, हाई कोर्ट ने कर दिया इनकार। ये दोस्तों बड़ी खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। एक और दोस्तों खबर, हर माह औसतन 3,500 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। ये दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ऐसा सच है कि आप लोग को नौकरी मिल पा रही है। उसके बाद देखिए, नई शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया फैसला, राज्य में अब नहीं होगा डीएलएड, शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। तो दोस्त, ये अपडेट कहां से आ रही है? शैक्षणिक सत्र 2023-25 में एडमिशन ले के लिए मतलब तो रद्द करे संस्थान। क्या अपडेट कहां से दोस्त? ये रांची से अपडेट आ रही है। तो इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए आप लोग का रिजल्ट जो हमारे स्कूटनी के जारी हुआ, तो कुछ ऐसा रिजल्ट था सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, वो देखिए रिजल्ट कुछ हमारा ऐसा शो किया जाता है जहां पर हर एक सेमेस्टर की अपडेट दी जाती है कि कितने बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और रिजल्ट कैसा आया। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी खबर, फेल किया तो योगी मोदी को बता दूंगा। दोस्तों ये अपडेट देखिए, यूपी बोर्ड की कॉपियों में छात्रों ने टीचर को दे रहे हैं धमकी। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आजकल चल रहा है। उसके बाद डीएलएड परीक्षा डेट शीट कुछ आपके सामने ऐसी आने वाली है बहुत ही जल्द। तो एक और सवाल आपके मन में होगा कि हमारा यूपी टेट का पेपर कब तक हो सकता है? देखिए, सीटेट के पेपर के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। सीटेट का पेपर हमारा जुलाई अगस्त तक जा सकता है, क्योंकि अभी सीटेट का पेपर हमारा हाल ही में हुआ है, लेकिन यूपी टेट का जो पेपर है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये पेपर हमारा समय से और जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग अभी तैयारी करेंगे यूपी टेट के लिए। तो इसकी जो मैथ की हमारी क्लासेस हैं उसका लिंक दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जहां पर आपको मैथ की A to Z सारी क्लासेस मिल जाने वाली है फ्री में बिल्कुल। ठीक है, चैप्टर वाइज है, पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए होने वाली है यूपी टेट की। तो डीएलएड परीक्षा डेट शीट कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अजीबोगरीब अपडेट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, हर माह औसतन इतने बच्चों को नौकरी मिल रही है, क्या सच है कि नहीं? अब जरा इस अपडेट को हम पहले देखते हैं। राज्य में 24 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समेत 4 प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड की पढ़ाई नहीं होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर संबंधित संस्थानों को आदेश दे दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने कहा कि पिछले माह 13 फरवरी को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर ने तत्वाधान में स्टेट को ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। कहा, अगर किसी संस्थान द्वारा सेशन 2023-25 में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए। साथ ही कहा गया कि वैसे स्टूडेंट जो सेशन 2023-25 के पूर्व के सत्रों में नामांकित है, तो शैक्षणिक सत्र की समाप्ति होने तक पढ़ाई जारी रहेगी। बताते चले कि राज्य के 24 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों में से 15 संस्थानों का मान्यता सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है, वही 4 प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण में से 3 का मान्यता प्राप्त है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, अभी हमारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से भी जल्द एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलेगी। बीएड वर्सेस डीएलएड केस सुप्रीम कोर्ट के। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ जाता है कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर डीएलएड छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में डीएलएड में एडमिशन भी अच्छे खासे होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डीएलएड के अगेंस्ट भी आता है, मतलब बीएड के छात्रों को मौका मिल जाता है, तो फिर वही होगा कि डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब बीएड करके भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल ही जा रहा है और अन्य वैकेंसियों में भी फायदा होता है, तो डीएलएड का क्या मतलब है? लेकिन आपको बता दें, एक बात क्लियर कर दें, बीएड करके किसी भी छात्र को डायरेक्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाता। एक ब्रिज कोर्स का नाम यहाँ पर रखा जाता है सामने, ठीक है, जो कि कभी कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा भगवान जाने। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे नौकरी पा गए, ठीक है, साल भर से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक उन बच्चों को कोई ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ब्रिज कोर्स तो एक बहाना है बीएड के छात्रों को मौका देना है, बस ये बात समझे चलिए। ठीक है, तो
तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट को लेकर क्या बढ़िया खबर है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक और खबर जो कि महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई हुई। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए 4 महीने का और समय देने से इनकार कर दिया है। याचिका अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को 10 दिन में अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से दाखिल एफिडेविट जिसमें 4 महीने का और समय मांगा गया है जवाब दाखिल करने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पिछली तारीख में याचिकाओं को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 6 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचिकाओं से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में याचिकाओं को 1 नंबर देने में कितना समय लगेगा। प्रमुख सचिव बेसिक एजुकेशन दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2021 को व 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ बेंच में 9 मई 2020 को पीएनपी द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर मतलब याचिकाओं को 1 नंबर देने का आदेश दिया था। एक बात दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए 1 नंबर जो बढ़ाया गया वो सभी बच्चों का नंबर नहीं बढ़ाया गया, जो बच्चे उसमें याची बने थे सिर्फ उनको 1 नंबर देने का आदेश हुआ था। याचिकाओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्र पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल 2023 को होनी है। तो ये दोस्तों पूरा मामला देखते हैं और क्या क्या हमें नई खबर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 25 मार्च 2023 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 26 मार्च की भी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या क्या हमें बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले 269,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा 6,800 पदों पर जो एक चयन सूची जारी की गई थी, चयन सूची जिसमें ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के छात्रों को नौकरी देने की बात थी, वो चयन सूची रद्द हो जाती है। मतलब जो बच्चे आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका मतलब हक मारा जा रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक नई चयन सूची आने वाले समय में, या 69,000 शिक्षक भर्ती जो चयन सूची आई थी 69,000 भर्ती उसको रिव्यू करने का आदेश दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखिए अब रिजल्ट की बात कर लें तो देखिए समय बीत रहा है बहुत ही जल्द दोस्तों। डीएलएड का रिजल्ट हमारा द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। आप लोग मात्र 2 से 4 सेकंड में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीएलएड में। आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर छात्र कहीं पर फेल हुए हैं जो डीएलएड का इतिहास रहा वो सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर ही है। देखते हैं इस बार आप लोग का रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आता है कि खराब आता है। वैसे सभी बच्चों ने मेहनत इस बार जमकर की थी और रिजल्ट उम्मीद करेंगे बहुत ही बेहतर आएगा। चलिए दोस्तों रिजल्ट कैसा भी आएगा उसको हम देखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। बाकी फेल छात्रों के लिए जो भी अपडेट होगी, जैसे कि ठीक है प्रत्यावेदन वाला मामला था, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए वो भी मामला कोर्ट में चल रहा है उसकी जानकारी देते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।